जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत आपका स्वागत है और आपका बहुत आभार है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी राशि के जातक हैं जो आपके सबसे ज़्यादा शत्रु हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, वो कौन कौन सी राशियाँ हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन सी बातें हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस विषय पर मुझे कई बार इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंडित जी हमें ये बताएं कि हमारी राशि के लिए कौन सी राशि वाले शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है और ये प्रश्न हजारों नहीं लाखों बार पूछा जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर मैं वादा करता हूँ कि मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को बहुत शांति से समझें। पूरा देखेंगे तभी चीज़ें समझ आ पाएगी, अगर नहीं देखना तो आप यहीं से छोड़ के जा सकते हैं। पूरा सही तरीके से देखें। उससे पहले एक निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने भोलेनाथ का नाम, जो आपको अच्छा लगे, भोलेनाथ का एक नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएं, क्योंकि भोले हैं तो सब हैं। आप इस वीडियो को लाइक भी करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि पॉजिटिव जो है वो बातें यहाँ मिलती हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप पर, प्लीज़ याद रखिएगा, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और जो भी समस्या हो सकारात्मक में हल आपको मिलेगा। तो पहली बात हम इस वीडियो को शुरू करें कि शत्रु जो है, हम मानते हैं कि ये राशि वाला शत्रु या ये वो राशि वाला शत्रु है। शत्रुता कभी भी राशिगत शत्रुता को हम उतना जोर नहीं देते हैं जितना कि मैत्रिकता को जोर देते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा यहाँ इस तरह से समझें कि कई बार दो राशियाँ आपस में शत्रु होती है लेकिन वो दोनों शत्रु होने के बावजूद भी आपस में मित्रता उनकी होती है, कुछ वजह होती है, कुछ कारण होती है। तो सबसे पहले बात कि इस तरह का जो अपना क्लाइमेट है, ये दिमाग में एक सोच बना के रखिए कि ये राशि वाला, मैं किसी राशि का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं माइंड सेटअप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ उस बात पर आप थोड़ा सा गौर करें कि कोई भी राशि के जातक शत्रु नहीं होते। 12 की 12 राशियाँ आपस में परस्पर मित्र किसी न किसी भाव में, किसी भी किसी तरीके से वो जरूर होती है। फिर से समझिएगा ये, और वो आवश्यकता है एक दूसरे की, मांग और पूर्ति दोनों की है, दोनों की ज़रूरतें हैं वो। तो वो कभी भी किसी की दुश्मन या शत्रु या आघात नहीं होती है, बस सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन ये होता है कि हमारे निजी ग्रह, हमारे निजी व्यवस्था या हमारे निजी विचार, ये दोनों में डिफरेंस होता है, वो हमारे ग्रहों की, प्लेनेट की प्लेस की वजह से, और उसी का इम्पेक्ट हमें लोगों में दिखाई देता है, बस यही शत्रुता है। बाकी ग्रह राशिगत आप थोड़ा सा इस चीज़ों को इग्नोर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। जय महाकाल।